बर्ड पकड़ने का तरीका सीखो भाई, कैसे बर्ड पकड़ा जाता है। यह है महिंद्रा का स्कॉर्पियो, ये गाड़ी है भाई महिंद्रा का स्कॉर्पियो। इसमें जो हमारा है डिस्क ब्रेक का प्रॉब्लम है, जब भी हम ब्रेक को पकड़ रहे हैं तो जो हमारा गाड़ी है घस घस की आवाज़ कर रहा है और चू चू की आवाज़ कर रहा है। तो चलिए मैं आज आप सबको बता देता हूँ कि इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है दोस्तों, कि जो हमारा डिस्क ब्रेक है ब्रेक पकड़ने के बाद आवाज़ कर रहा है चू चू के और घस घस के। तो चलिए महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी है, इसमें मैं एक बात और आपसे बता देता हूँ, जो इनका डिस्क ब्रेक होता है दोस्तों और कब किस समय कैसा काम करता है, जो बढ़िया रहता है तो कैसा काम करता है और ख़राब हो जाने के बाद कैसा काम करता है। जब भी हम डिस्क ब्रेक पैर को नया लगा देते हैं तो कितना किलोमीटर हम पे हमें इसे चेंज करा देना चाहिए और कब हमारा ख़राब होता है तो कैसा आवाज़ करता है, सब चीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। मतलब दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है दोस्तों। चलिए अभी हम टायर को खोल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि जो हमारा डिस्क ब्रेक है उसमें क्या फॉल्ट हुआ है दोस्तों, कि जो हमारा है ब्रेक बांधने के बाद घस देर आवाज़ कर रहा है और चू चू आवाज़ कर रहा है दोस्तों। इन सभी बारे में मैं आपको पूरे डिटेल में बता दूंगा दोस्तों, तब तक आप मेरे वीडियो पे जुड़े रहिए। और चलिए आइए मैं टायर खोल के और आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आइए टायर को हम खोल लिए हैं, टायर खोलने के बाद यहाँ आपको दिखा देते हैं कि जो हमारा क्या फॉल्ट था, कि जब भी हम ब्रेक को बांधते थे तो हमारा घस घस के और चू चू की आवाज़ आता था। चलिए आइए आइए भाई थोड़ा करीब लेके आइए दिखाते हैं दोस्तों। ये जो हमारा हब है यहाँ आपको देखने को मिल जाता होगा, यहाँ आप देख लीजिए जो हमारा डिस्क तावा है ये बिल्कुल इसको काट दिया हुआ है इनका दोस्तों। जो डिस्क पैड होता है, जो हमारा पैड होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसी के कारण जो हमारा तावा है इसको काट रहा है और इसी के कारण जब भी हम ब्रेक को पकड़ रहे हैं तो घस घस की आवाज़ कर रहा है। देख लीजिए यहाँ आप कैसी आवाज़ कर रहा है, जैसे आप गाड़ी को चला रहे हैं मान लीजिए कि आपका ब्रेक में कोई सा भी, जब भी आप ब्रेक सोल जब ख़त्म हो जाता है दोस्तों तो ब्रेक आप पकड़िएगा तो चूँ चूँ के घस घस की आवाज़ आने लगेगा। उस समय आपको क्या करना है, ब्रेक को और खुलवा के और चारों पहिया को चेक करा लेना चाहिए कि जो हमारा डिस्क पैड है या पीछे वाला ब्रेक सोल है वो कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया है दोस्तों। जब भी ये ब्रेक सोल ख़त्म हो जाता है इसी के कारण जो हमारा है आवाज़ बनने लगता है, अगर आप उसे टाइमली नहीं चेंज करवाइएगा तो ये जो आपका तावा है ये बिल्कुल इसको काट देगा। अभी देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल काट दिया है इसको और ये कितना जाम चल रहा है, इसी के कारण जो हमारा है ब्रेक पकड़ने के बाद घस घस की आवाज़ कर रहा था दोस्तों। तो चलिए इन्हें खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। और दोस्तों इसे आपको ध्यान रखने के लिए ये लगभग 20,000 से 25,000 किलोमीटर पे आगे वाला जो हमारा फ्रंट जो डिस्क पैड होता है इसे चेंज करवा देना चाहिए, क्योंकि ये उतना उससे ज़्यादा नहीं चलता है दोस्तों। चलिए इसे खोल के दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए क्लिपर को हम खोल दिए हैं, क्लिपर खोलने के बाद यहाँ देख लीजिए जो भी हमारा पैड है इनका परिस्थिति आप देख ले रहे हैं, ये बिल्कुल परिस्थिति इनका बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसी के कारण जो हमारा है तावा को काट रहा था। यहाँ भी आप देख लीजिए जो हमारा पहिया है बिल्कुल फ्री हो गया दोस्तों। जब भी आपका ब्रेक में थोड़ा सा भी आवाज़ है तो उसे ज़रूर खुलवा के चेक करवा लीजिए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको फिटिंग करते समय आपको दिखाने वाले हैं, देखिए अभी हम लेके आ गए हैं नया वाला डिस्क पैड, अब इसमें हम चेंज करने जा रहे हैं। तो डिस्क पैड को फिटिंग करते समय कैसे उसे फिटिंग करना है वो चीज़ भी आपको, उसका तरीका भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। डिस्क ब्रेक फिटिंग करने से पहले हमारा जो पिस्टन इसमें दिख रहा है, दो पिस्टन है इसमें, अभी हम इसको कैसे दबाना है, इसके अंदर दबाना पड़ता है तब जो हमारा है डिस्क पैड इसमें फिटिंग होता है दोस्तों। पहले इनको जीरो करना पड़ता है, तो इनको कैसे दबा के अंदर करना है वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई थोड़ा इस साइड से लेके आओ, यहाँ पे आप देख लीजिए आप क्लिपर को ऐसे हटाइएगा, इन दोनों पिस्टन को देख लीजिएगा, फिर इसमें ये सुराग है इसमें आप पेचकस को लगा दीजिएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए पिस्टन को सहारे करके और फिर तावा के सहारे करके और ऐसे इसको दबाइएगा तो जो हमारा है पिस्टन अंदर चला जाएगा और बिल्कुल ये दोस्तों आराम आराम से जाता है। इन दोनों को बारी बारी से दबा दीजिएगा अंदर चला जाएगा, अगर नहीं जा रहा है तो ये निपल जो होता है हमारा हवा निकालने वाला हम इसे खोल देंगे और खोलने के बाद इसे दबा देंगे, तेल जो है थोड़ा इसमें तेल नीचे गिरेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, अंदर चला जाएगा, फिर इसे हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद जो हमारा है अभी हम दोनों हम दोस्तों इसे क्या करेंगे, जो हमारा पैड है पैड को एक पैड को हम अंदर में लगा लेंगे, देख लीजिए जो हमारा पैड है वो बैठ गया और दूसरा पैड जो हमारा है
बाहर में लगा लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए बैठ गया। और ये जो दोनों पिन होता है दोस्तों क्लिपर का, हम देख लेंगे, जाम तो नहीं हुआ है अभी। देख लीजिए हमारा पिन जो है दोनों सही है। फिर जो हमारा पत्ती होता है पिन, इन दोनों को आमने सामने करके, फिर जो हमारा क्लिपर है इसको हम बैठा देंगे। बैठाते समय ध्यान रखेंगे जो हमारा पिन है वो सुराख के अंदर तो निकला तो नहीं है। जो सामने में पिन दिख रहा था सुराख के अंदर तो नहीं है, दोनों साइड में चिट जाना चाहिए उसको। फिर जो हमारा है बोल्ट को फिटिंग कर देना है दोस्तों। दोस्तों आप मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ घंटी को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।